हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैंने बनाया है डोसा, उत्पम और रेड वाली चटनी। तो डोसा तो सभी को बनाना आता ही है, और मैंने उत्पम बनाया है। तो प्याज को बारीक बारीक काट लेंगे, बारीक बारीक काट कर उसको डोसे के बैटर में मिला देंगे। उसको इतने अच्छे तरीके से मिलाएंगे कि सारा अच्छे से मैश हो जाए। बहुत ही बारीक काटेंगे, अगर हम थोड़ा भी प्याज को पतला काटे तो फिर डोसा बराबर नहीं बनेगा, मतलब कहीं मोटा कहीं पतला बनेगा, या तो टूट जाएगा बीच में। तो इस तरह से मैंने थोड़ा ज़्यादा मोटा कर दिया था, तो फिर इस तरह से डोसा थोड़ा टूट गया। तो इसलिए प्याज को बारीक बारीक काटना है, बहुत बारीक बारीक काटना है, और उसको डोसे के बैटर में उसको मिला देना है अच्छे से। और इसमें नमक डालना है और हल्का सा चीनी डालना है, मतलब हल्का सा मीठा लगे इतना ही चीनी उसमें डालना है। और उसमें जीरा डालना है, धनिया पत्ती डालना है कटिंग करके बारीक बारीक, और हरी मिर्च भी कटिंग करके बारीक बारीक डाल देनी है। तो उसको हम जैसे डोसा बनाते हैं वैसे ही तवे पर हम बना सकते हैं, उत्पम बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, डोसे से ज़्यादा टेस्टी उत्पम लगता है। आप बना सकते हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये देखिए, ये डोसा है, जब किनारे से हल्का सा ब्राउन हो गया तब मैंने इसको पलटी किया, तब ये बराबर बन रहा है। और ये देखिए, ये वाला उत्पम है, इसके अंदर प्याज वगैरह पड़ा है, प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, जीरा, ये सब पड़ा हुआ है। और हमने बनाया था टमाटर की चटनी, रेड वाली चटनी बनाया था, जो हल्को लहसुन प्याज और मिर्ची को, लाल मिर्ची को पहले तेल में हल्का सा फ्राई कर लेंगे, और चने की दाल को तेल में हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हल्का सा फ्राई, जब वो थोड़ा गलगला हो जाता है, तब गल जाता है हल्का सा, तब उसको मिक्सर में पीस लेंगे। और पीसने के बाद उसको नमक डाल देंगे उसमें, और उसमें ऊपर से तड़का लगाना है, मतलब उसको तड़के में मिक्स नहीं करना है, ऊपर से तड़का लगा करके फिर उसको खाने के साथ सर्व करना है। ये देखिए उत्पम है, और ये चटनी है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज़ गाइस, चैनल को सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए। मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम होते जा रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट करिए, प्लीज़ सपोर्ट मी, बाय, टेक केयर, और रेसिपी बनाइएगा ज़रूर।